अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्थ बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो जैसा कि बिजनेस सीज़न शुरू हो चुका है, तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि उनके बर्ड्स अभी तक ब्रीड नहीं कर रहे। तो आज ही आपको मैं ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा कि आपने कभी किसी से भी नहीं सुना होगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए हुए चलते अपनी टॉपिक की तरफ। चंद बातें मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपके पास पेयर है, इसका मेल और फीमेल कन्फर्म होना चाहिए और इनकी एज कम अज़ कम ब्रीड बजरी के लिहाज से। मैं आज सबको तमाम बातें मैं आपको बजरी के बारे में गाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने अपने मेल और बर्ड्स के मेल और फीमेल को कन्फर्म करना है। दूसरा कि आप जिस जगह पर अपना केज रखा हुआ है, तो वहाँ पर आदमियों का, जैसे कि बच्चे हो गए, वो डिस्टर्ब करते हैं उन परिंदों को, तो ऐसी जगह पर ना रखें तो बेहतर है। कि इसके अलावा मैं आपको ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला बताता हूँ कि आपने सबसे पहले 2 किलो आप बाजरा लेना है, तो उसमें थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है, कम थोड़ा सा जितना कम हो सके आपने उसमें ऐड करना है किनेरी के बीज थोड़े से ऐड करने हैं इसमें। उसके अलावा आपने लेना है हडी चूर, ये आपको अपन सारे की दुकान से इजीली आपको मिल जाएगा। तो तीसरी चीज़ है कि आपने गंदम का दलिया लेना है। गंदम का दलिया आप किसी पंसारी की दुकान से या जनरल स्टोर से या किराना स्टोर से आपको बआसानी मिल सकेगा। इसमें भी थोड़ा सा आपने ऐड करना है। इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा फिश ऑयल आपको ये भी पंसारी की दुकान से आसानी मिल जाएगा। ये होगा तकरीबन मेरे हिसाब से 50 या 100 रुपए का आपको ये भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको लेने पड़ेंगे भंग के बीज। लेकर आपने तक इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आपने अपने बर्ड्स की फीड में इनको देना है हर दिन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो इसके अलावा आपने जितना हो सके आप इनको नेचुरल फूड दें या एग फूड हो सके तो आप हेड फूड दिया करें। तो जैसा कि आप परिंदों को पालक वगैरह यूज़ करवाते हैं, तो आप पालक वगैरह से कम दिया करो, क्योंकि इसमें विटामिन नहीं होते, कैल्शियम होते हैं जो इसके परिंदों के अंदर से निकल जाते हैं। और जो राइस चावल हो गया, आपने इनको कम से कम देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आइंदा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़।